अब करो गंदगी इनके साथ, अजीब मुसीबत है यार। अरे क्या चांद की तरह पूरा बोझ मुझ पे डालोगे क्या? थोड़ी खुद भी हिम्मत करो। अरे यार अपनी गन नहीं गिराओगे क्या? अबे यार दिहाड़ी के चक्कर में कहाँ फंस गए? मैडम मेरा हिसाब कर दें। हिसाब किस चीज का? जो 4 दिन मैंने काम किया उसके। क्या मतलब इस बात का? तुम काम छोड़ के जा रहे हो क्या? हाँ, अकेले मुझसे नहीं होता। या तो मेरा हिसाब कर दें या कोई दूसरा हेल्पर दें मुझे। हेल्पर? अरे एक एक काम के लिए दो दो लोगों की क्या जरूरत है? फिर इन्हें खुद ही संभालें। मुझे मेरे 6,000 रुपए दे दे। 6,000 किस बात के? दूसरे लोगों से पर डे में 2,500 रुपए लेता हूँ, पर अनीस साहब की वजह से मैं 1,500 रुपए ले रहा हूँ। 4 दिन के 6,000 हुए, मुझे मेरे पैसे दे दे बस। अरे ऐसे कैसे? अरे भाई मुझे मेरे पैसे दे दे, मुझे जाना है। शनीला को मैंने पूरे महीने के 3,000 रुपए दिए और तुम मुझसे 4 दिन के 6,000 रुपए ले रहे हो। किसी की मजबूरी का ना इस तरह से फायदा नहीं उठाते। इस प्रोग्राम के तवस्त से मैं ऐसे तमाम प्रोफेशनल्स को ये कहना चाहूंगा जो इस फील्ड में हैं कि अपनी रोज़ी को हलाल करें। देखें अगर आप कहीं जाते हैं तो ये खिदमत भी है। देखें आपको वहाँ से रिस्क तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी खिदमत है, ये इबादत है कि आप भरपूर टाइम दें, दिल से काम करें, उसको बोझ ना समझें। क्योंकि जब जब आप उसको दिल से करेंगे, उसको सही तरीके से टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, उसकी दिलजोई करेंगे, उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर तक पहुंचेगी। आप लोगों के घर में खुशहाली होगी, सेहत होगी, बरकतें होंगी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ खाना, और तुम हो के खाना जाया कर देती हो। वैसे ना आसमान से उतरते हैं ना ही पेड़ पे उगते हैं। मुझे घर का खाना खाना है, वो भी नैनी के हाथ का। नैनी? नैनी कोई नैनी वाली नहीं आने वाली है। चुपचाप से खाना खाओ वरना। आप निकल जाए यहाँ से, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। निकले यहाँ से, चले। मेरी औलाद होकर वो गुम जा रही है उस 2 टके की नैनी के। सब कुछ मैं करूं, हर एक्सपेंस मैं उठाऊं, घर में अकेली कमाने वाली मैं, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आती। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। किसी आसानी से उसने कह दिया कि मैं जा रही हूं। और ये तन पर भी यही छोड़ के गया है। और ये साहब इन्हें देखो, आराम से बिस्तर तोड़ रहे हैं। एक हेल्पर रखवाया था कि काम आसान, तुम्हारे लिए आसानी हो, मेरे लिए आसानी हो, लेकिन नहीं, उसे भी भगा दिया। क्या इसी दिन के लिए शादी की थी मैंने कि शौहर और बेटी की
गुलामी करो और साथ साथ गले फाड़ लो फिर। साबे के संग बेजार मत करो, चुपचाप वहीं पड़े रहो। क्या मुसीबत है? फिर गिर गया बिस्तर से तो खाने की मुसीबत पड़ जाएगी। अच्छा वहीं रुको, आ रही हूँ मैं, हिलो मत। क्या है, कुछ कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साबिर तुम्हारे करो संदेह